हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम, स्वागत है सभी का उमा चंद्रा ब्लॉग में। और यह है लगन ब्लॉग। तिलक के बाद लगन, शादी की पहली रस्म, तो जिसमें घान आता है बोलते हैं, जिसको लगन भी बोलते हैं। लगन आई गाना है बहुत तगड़ा, लगन आई अरे अरे मेरे अंगना, तो उस तरह से यह है लगन। और लगन में क्या क्या आता है इसमें देखिए, साड़ी थी और एक पर्ची पर लगन क्या होती है आप देखें इसमें। और इसमें पैसे होते हैं, लगन में कुछ धान होते हैं। और ये है पहली रस्म गांव की। क्या सभी जगह इसी तरह से शादी की रस्में निभाई जाती हैं? तो जिस दिन तिलक चढ़ा था, दो तीन दिन का ही गैप था, तो उसी दिन ये भी था। तो मैं इनको बोल रही थी, अपनी जिठानी को, दूल्हे की मम्मी को, कि लगन दिखाइए दीदी क्या होता है। तो ये है लगन। तो इसमें होते हैं कुछ पैसे और साड़ी। तो अब देखिए लगन की रस्म कैसे होती है। तो इसमें सारी तिथि होती है, किस दिन छेई और हल्दी है ना, और वो सब चीज़ें होती हैं, मंडप वगैरह इसमें सब लिखा होता है। तो नाम के द्वारा ये सब बना के पंडित जी भेजते हैं। लड़की के यहाँ से आई है, ये है पहली रस्म शादी की। तो इन्जॉय करें रियल वॉइस को। और बिना संगीत के कोई भी रस्म पूरी नहीं होती शादी की। तो ये शादी में ढोलक और गाना और डांस के साथ आप इन्जॉय करें, और गांव की रीति रिवाजों को सभी जगह होता है। तो ये देखिए, ये घान पड़ते हुए इसमें सात औरतें मिलके डालती हैं, मैं नहीं थी। तो ये है घान, मतलब धानों को कूटा जाता है और उससे ही फिर खीर बनती है दूल्हे के लिए। तो ये देखिए लेडीज, तो ये देखिए गांव के रीति रिवाज। और ऊपर से ही मूसल पकड़ते हैं, नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, और ये है घान या लगन की रस्म। और इसके बाद आज से ही दूल्हे को उबटन भी लगता है। तो देखें और इन्जॉय करें हमारे राहुल की शादी को, कि लगन पहली रस्म, शादी की पहली रस्म तिलक होता है, वो सगाई जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये शादी की पहली रस्म है। यहीं से रीति रिवाज शुरू होते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ मुझे पता नहीं था क्या क्या होता है। तो इन लोगों ने घान डाला था तो इनको दिया जाता है। और ये देखिए, ये दे रहे थे लोगों को, उनको न्योछावर मांग रही थी कि न्योछावर दो, तो मैंने कहा दे दो उनको। तो ये न्योछावर, ये है दूल्हा जिसकी शादी है। तो अभी इसको उबटन लगेगा, तो देन इन्जॉय करें। और ये है, एंड देखिए, और ये है हमारी ननद। ये लोग जा रहे थे, बहुत सारे मेहमान उसी दिन चले गए थे। तो हरा उस दिन थीम थी, मेरे ख्याल से हरा बहुत लोगों ने पहन रखा था। मैं फिर भी इसमें तो नाचो भी तो। उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए थे। उसके बाद बिना ढोलक और संगीत के कोई भी फंक्शन अधूरा रहता है। तो अब आप एंजॉय करें रियल वॉइस। जय नचासी भाई, जय नचासी भाई जी।